हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी बायोग्राफी एन ऑर्डिनरी लाइफ को लेकर काफी लाइमलाइट में थे। इस बायोग्राफी में नवाज ने अपनी लाइफ से जुड़े उन अनसुने खुलासों का खुलासा किया जिसे सुनकर उनके फैंस हक्के बक्के रह गए। इन खुलासों में से एक था नवाजुद्दीन और उनकी पहली गर्लफ्रेंड सुनीता राजवर के रिलेशनशिप के बारे में। अपने अफेयर का जिक्र करते हुए नवाज ने ये खुलासा किया, जब वो मुंबई में एक प्ले कर रहे थे तब एक लड़की सुनीता से उन्हें प्यार हो गया और वो रोज उनके घर आती थी और दीवार पर उनका नाम लिखती थी। वहां से आने के बाद सुनीता अपने घर गई और बाद में उन्होंने नवाज से सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर लिए। नवाज ने आगे रिवील किया था कि सुनीता ने उनसे ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन अब नवाज की एक्स गर्लफ्रेंड सुनीता सामने आई है और नवाज के किए गए दावों पर जमकर भड़ास निकाली है। एक लंबी फेसबुक पोस्ट लिखकर सुनीता ने कहा, नवाजुद्दीन तुम्हें आज भी औरतों की इज्जत करनी नहीं आती। आपको बता दें कि अपनी किताब में नवाज ने सुनीता को पहला प्यार बताते हुए लिखा कि गरीबी की वजह से सुनीता ने उन्हें छोड़ दिया था, जबकि सुनीता ने इस बात को झूठा ठहराया है। और अब रिपोर्ट्स की माने तो किताब के कंटेंट से नाराज सुनीता अब नवाज के खिलाफ केस दर्ज कराने वाली है। आपको बता दें कि नवाज ने अपनी बायोग्राफी में अपने कई अफेयर्स का खुलासा किया है। इसमें उनके साथ काम करने वाली को एक्ट्रेस निहारिका सिंह से लेकर होटल की वेट्रेस तक शामिल है। पहले प्यार का खुलासा करते हुए नवाज ने सुनीता का भी नाम लिखा था। भाई अब सुनीता के इस बयान के बाद यही सवाल खड़ा होता है कि क्या नवाज ने अपनी बायोग्राफी में जिन बातों का जिक्र किया है वो सब झूठ हैं, या फिर सुनीता ही झूठ कह रही हैं। अब सच क्या है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन देखना यह है कि नवाज इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में क्या कहते हैं।